तेरे चरणों की महिमा अपरंपार है। तेरे चरण परस से पवि सम शिला हो गई दिव्य कामिनी, तेरे पद की गरिमा से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और भारतीय संस्कृति से सभी को जोड़ने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में संस्कृति एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण भजन संध्या भज गोविंदम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी वैष्णवी भारती ने प्रवचन किए। क्योंकि जब हम एक स्पिरिचुअल मेंटर एक सद्गुरु की शरण में जाते हैं इस आध्यात्मिक ऊर्जा को लेने के लिए, तो वो हमारे इस स्थान को खोल देता है, वो हमारे स्थान को ओपन कर देता है, खोल देता है। इसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं इस स्थान को। और जब वो खोलते हैं, हम भीतर उतर कर उस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार से भगवत प्रेमियों, उस मंदिर के अंदर उस गर्भगृह को इसीलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर भगवान का दर्शन होता है। इसे हृदय भी कहा गया हमारे शास्त्रों में क्योंकि यहाँ दर्शन होता है। फिर आता है ये स्थान, इसे सहस्रार कमल कहते हैं। इसे कमल की शेप में भी दिखाया जाता है, हमने अगर कुछ पेंटिंग्स देखी हो चक्रों की। तो वहीं उपस्थित संत समाज ने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व शिमला शहरी विधायक हरीश अनारथा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उपस्थित श्रोता मधुर भजनों को श्रवण कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। स्वामी धीरानंद ने कहा कि साध्वी जी द्वारा भगवान की गाथाएं और उनमें छिपे आध्यात्मिक रहस्य को बयान किया गया, साथ ही सभी को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं। मेरा नाम स्वामी धीरानंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति से सबको जोड़ने के लिए आज पीटरहॉफ में भजन संध्या भज गोविंदम के नाम से एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी वैष्णवी भारती जी पधारे हैं और बहुत सारे वाद्य जो उनके साथ संत समाज भी उपस्थित है। साध्वी जी भगवान की जो गाथाएँ हैं और उनमें छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को भी बयां कर रहे हैं और साथ ही साथ मंच से बड़े ही सुंदर भजनों को गाया जा रहा है और सबको सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है।